हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डॉगलेस। ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और हम उनकी लाइफ का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट पढ़ेंगे आज, जहां पर वो बताते हैं कि फियर ऑफ वाटर जो उनके दिमाग में था वो कैसे डेवलप हुआ और कैसे उन्होंने इस फियर को कम किया अपनी लाइफ में। तो गाइस, ऑथर 11 ईयर के होते हैं और एक पूल के पास बैठे हुए हैं। उनकी मदर हमेशा उन्हें अलर्ट करती रहती हैं कि किसी पूल के पास नहीं जाना, तालाब के पास नहीं जाना, और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं पूल तालाब इन सब में, उन सब के बारे में बताती रहती है। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि जब विलियम डॉगलेस 11 ईयर के थे तब उनके फादर के साथ वो कैलिफोर्निया गए थे और कैलिफोर्निया ब्रिज पर समुद्र की लहरों में एक बार वो गिर गए थे और गिरने की वजह से उन्हें सांस नहीं आई थी। ऐसा लगा था अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मतलब मौत को छूकर आने वाला सीन हुआ था उनके साथ। तो उनकी मदर हमेशा डरती रहती थी कि इसे पानी से दूर रखो ताकि ये सेफ रहे। बट जो ऑथर थे उनके मन में था कि मैं कैसे इस फियर से बाहर आऊं, कैसे इस डर से बाहर आऊं। तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि मैं इस चीज से बाहर आऊं। पुल के सामने बैठकर वो सोच ही रहे थे कि पीछे से एक यंग बॉय जिसकी एज 18 ईयर रही होगी, बॉडी डोले शोले बनाकर उनके पीछे से आ जाता है। वो एक बुली बॉय होता है, हमेशा दूसरों को चिढ़ाता रहता है। उसने ऑथर के साथ भी ऐसा ही किया और चिढ़ाते चिढ़ाते उन्होंने ऑथर को पूल में धक्का दे दिया। ऑथर को स्विमिंग आती नहीं थी और पूल का आपको पता है कि एक साइड से वो 3 फीट का होता है एंड दूसरी जो गहराई वाली साइड होती है वो उसकी 9 फीट रहती है। ऑथर 3 से 9 फीट वाली में गए थे, 9 फीट वाली साइड में उसने धक्का दिया था। अब ऑथर जब गिरे तो ऑथर डर जरूर गए थे, बट ऐसा नहीं था कि उनके माइंड ने वर्क करना ही बंद कर दिया। उनका माइंड वर्क कर रहा था और जब वो गिरे थे, पानी के अंदर गए थे, तो उनके माइंड में एक बात चल रही थी कि नहीं, आज मैं बाहर निकल कर आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं डूबूंगा नहीं। तो ऑथर सोचते हैं जैसे ही मैं पूल के निचली सतह पर जाऊँगा तो अपने पैर से पुश करूंगा फर्श पर और ऊपर की ओर आ जाऊंगा। नीचे पहुंचते हैं, वो कई बार कोशिश करते हैं और उनके लंग्स और उनकी बॉडी उनका साथ छोड़ जाती है। वो ट्राई करते हैं बट वो ऐसा नहीं कर पाते। वो काफ़ी कोशिश करने के बाद थक जाते हैं और कहते हैं फाइनली नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता। अब उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है किसी से हेल्प मांगना, चीखना, चिल्लाना। बट वो चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, उनके चारों तरफ पानी था, उनका वॉल्यूम बाहर नहीं जाता है। उनके लंग्स में पानी भर चुका था और वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनकी बॉडी एकदम थक चुकी थी और उनकी बॉडी नीचे की तरफ जाने लगती है और जो पानी के ऊपर येलो कलर की लाइट पड़ रही थी, जिससे जो पानी का जो अंदर कलर था वो येलो था। काफ़ी डरावना सा माहौल था पानी के अंदर और इस सबको ऑथर देख भी रहे थे और मजबूरी में वो चिल्ला भी रहे थे, बट उनकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था। कुछ टाइम बाद ऑथर खुद को पूल के बाहर पाते हैं और देखते हैं कि उनके पास वो बॉय खड़ा है जिसने उसे धक्का दिया था और वो खुद को सॉरी कहता, मतलब सॉरी फील करता है एंड उनसे कहता है कि मैंने मजाक किया था, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। बट ऑथर उससे कुछ नहीं कहते, बट ऑथर के मन में एक बात चल रही होती है, नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फाइनली वो हार चुके होते हैं अपनी बॉडी से, माइंड से, दिल दिमाग, तो कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मैं कुछ नहीं कर पाया, मतलब अब मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी रात वो इस सिचुएशन से जूझते हैं और खुद को खड़ा करने के लिए या फिर खुद को विश्वास दिलाने के लिए फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि मैं एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा और वो मुझे सिखाएगा स्विमिंग, क्योंकि मैं इस डर में और नहीं जी सकता। जैसे ही वो कोई काम करने जाते हैं वो वही वाली सिचुएशन जो पूल में उनके साथ हुआ था वो आ जाता है उनके सामने। जैसे ही उन पर ज़्यादा लोड पड़ता है वही सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाती है उनके माइंड में और वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो पानी से तो डरते ही डरते हैं, वो अपनी लाइफ में हर चीज़ से डरने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। उनके अंदर एक अपने प्रति अविश्वास सा आ जाता है। अब वो स्विमिंग करने के लिए रेडी थे, उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रख लिया था और वो वीक में 5 डे उसे दे रहे थे। पर डे 1 आवर, 1 घंटे के लिए वो स्विमिंग सीखने जाते थे। तो उनका जो स्विमिंग सिखाने वाला बंदा था वो उन्हें एक रस्सी या फिर डोरी कह सकते हैं आप,
उसके थ्रू पकड़वा देता था और खुद बाहर खड़ा रहता था और कहता था आप अंदर जाइए और तैरना सीखिए, मैं इसको पकड़े हुए हूँ। तो ऑथर जाते थे, पहले उतने वाले हिस्से में 3 फीट रहता है जो, उसमें उन्होंने जाना शुरू किया और उनका जो इंस्ट्रक्टर था वो पीछे से उन्हें खींच लेता था। उन्हें डर नहीं था कि मुझे कोई छोड़ देगा या फिर मैं डूब जाऊंगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लिमिट बढ़ानी शुरू की। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि वो 9 फीट वाले पूल में भी तैर पा रहे थे आराम से और बिना किसी सपोर्ट के। तो उनके इंस्ट्रक्टर ने बताया कि अब आप सेफ हैं और आप कहीं भी स्विमिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा ओके, बट उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने ट्राई किया। सारे तरीके के पुलों में वो गए, नई नई जगहों पर गए, खुद को स्विम करके तालाब, झरने, सब नदियों में जाके उन्हें एक अंदर से खुशी जैसी थी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने कई जगहों पर जाकर खुद को ट्राई किया। ट्राई करने के बाद फाइनली उन्हें यकीन आ गया कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ और वो इस फेयर से बाहर आ गए। तो ये उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट था जो उन्हें काफ़ी कमज़ोर बना रहा था, बट उस फेयर से वो बाहर आए। इनफैक्ट उन्हें याद आती है ट्रेजिवल लूसवेंट की एक बात कि वो किस तरीके से कहते हैं ऑल वी हैव टू फेयर फेयर इटसेल्फ, मतलब हमें फेयरलेस रहना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो वो है डर। अगर आप उसी चीज़ को ओवरकम कर लेंगे तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऑथर बताते हैं कि कैसे ये जो डेथ है उसमें पीसफुलनेस वो उन्होंने फील किया। पीसफुलनेस क्यों फील किया? क्योंकि वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस फील कर चुके थे अपने बचपन में ही 5 ईयर जब वो कैलिफोर्निया गए थे। तो गाइज ये था हमारा चैप्टर डीप वाटर की समरी। आई होप आपकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।